नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। जैसे सभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, संदीप सौरभ जी के द्वारा जो है वो बिहार सरकार से और मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित। साथियों, यदि आप बीपीएससी टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन ने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रही हूँ, एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए घोषित परिणाम में एक ही अभ्यर्थियों का कई पदों पर रिजल्ट देना, पूर्व से नियोजित शिक्षकों को भी नए घोषित रिक्त पदों में शामिल करना, न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को सीट रिक्त होने पर भी अंतिम परिणाम में शामिल नहीं करने जैसे कई त्रुटियां सामने आई है, जिससे हजारों शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो निराश है। यहाँ पर इनका जवाब क्या आया है मंत्री जी का, ये देखना बहुत जरूरी है। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि घोषित परीक्षाफल मेधा सूची पर आधारित है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक वर्ग के लिए अध्यापक नियुक्ति हेतु परीक्षा फॉर्म भरने के पश्चात यदि उन्हें एक से अधिक वर्ग के मेधा सूची में रिजल्ट प्राप्त हुआ है या किए हैं तो उनका परीक्षाफल एक से अधिक वर्ग के लिए प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन के अनुसार नियोजित शिक्षक जो शिक्षक भर्ती के आवश्यक भर्ती को पूरा करते हैं वैसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने के लिए योग्य थे। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग यहां पर संकल्प संख्या का दिया हुआ है कि न्यूनतम कट ऑफ का ध्यान रख करके परीक्षा फल जो है वो प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर न्यूनतम कट ऑफ रख करके परीक्षा फल तो प्रकाशित किया ही नहीं गया है, इसमें तो कई सारी त्रुटियाँ भी है। यहाँ पर 65 वाले साथी हमारे अभी बाहर हैं, 60 वाले हमारे साथी अभी मेरिट पर चढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी अभी एक तरह से देखा जाए तो काउंसलिंग नहीं किया गया है। एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है वो 3 जगह दिया गया है, उत्तर जो है वो सकारात्मक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त परिणाम की त्रुटियों को दूर करने तथा न्यूनतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से शीर्ष रिक्त पदों के लिए सेकेंड लिस्ट जारी करने का विचार रखती है या नहीं? तो इनका जवाब आया कि विभाग द्वारा अनहरित अभ्यर्थियों एवं एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर आयोग द्वारा अनुशंसा भेजने की सहमति संसूचित की गई है। तो इसका मतलब है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट तो जारी किया ही जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा इसमें जो है उल्लेखित नहीं किया गया है, जो हम सभी के लिए बहुत ही गलत है। मैं चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी के अध्यक्ष फैसला करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोगों को फॉर्म भरना है और यदि इस प्रकार से इसको डिले किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए जो है वो गलत होगा। तो इस आवाज़ को बुलंद किए हैं संदीप सौरभ जी, उनको बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये सरकार के जहन में सवाल जानी चाहिए थी और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी इस बात को मान लिए हैं कि हाँ, एक से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो दिया गया है, लेकिन इस पर हम सभी जो है वो पूरक रिजल्ट जारी करेंगे और इसका प्रस्ताव जो है वो बीपीएससी को भेज दिया गया है। अब हम सभी को ये भी उनसे पूछना चाहिए कि कब तक इसका परिणाम आ जाएगा। लगातार विधानसभा में यदि इस प्रकार का प्रश्न किया जाएगा तो स्वाभाविक है इसका जवाब हम सभी के बीच में होगा। आप बने रहिए ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ, पर पल का अपडेट आप सभी को देता हूं, देता रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।